अध्यक्ष शरद पवार के 81वें जन्मदिन के अवसर पर एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की संकल्पना के साथ शरद युवा संवाद यात्रा और युवा प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख के साथ एनसीपी युवा कांग्रेस के माध्यम से शरद युवा संवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा की शुरुआत जलगांव जिले से हुई थी। संवाद यात्रा आज खामगांव में राकांपा युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महबूब भाई शेख और राकांपा के खामगांव युवा पूर्व विधायक सभी प्रकोष्ठों के माननीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को राकांपा के विचारधारा से जोड़ा जाएगा, क्योंकि राजनीति में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या महत्वपूर्ण है। राजनीतिक प्रक्रिया के साथ राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के माध्यम से महाराष्ट्र में युवाओं के राष्ट्रवादी विचारों और विकासात्मक दृष्टिकोण को जीवंत करना इस यात्रा का मुख्य हेतु है, जिसके लिए युवाओं से बातचीत की जाएगी। इस शरद युवा संवाद यात्रा के माध्यम से हम युवाओं से नई ऊर्जा के साथ संवाद किया जाएगा। आदरणीय शरद पवार साहेबाच्या वाढदिवसानिमित्त पवार साहेबाचे विचार आणि केलेलं काम हे महाराष्ट्रातल्या 358 तालुके आणि 27 महानगरात जाऊन युवकांना जास्त सांगावं आणि राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचं संघटन हे प्रत्येक तालुक्यात कशा पद्धतीनं काम करतंय हे बघावं म्हणून आम्ही ही शरद युवा संवाद यात्रा काढली। आणि या शरद युवा संवाद यात्रेची सुरुवात आम्ही जळगाव जिल्ह्यातून केली। मागच्या उत्तर महाराष्ट्रातले 55 तालुके आणि 5 महानगर करून आता हे तिसरं पर्व आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू करतोय। माँसाहेबाच्या पावनभूमीतून या तिसऱ्या पर्वाला आम्ही सुरुवात केली आणि आज हा तिसऱ्या पर्वातला आमचा 4वा दिवस आहे। आणि या माध्यमातून पवारसाहेबाचे विचार सांगणं आणि जास्तीत जास्त युवकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत जोडणं हा या यात्रेचा प्रमुख उद्देश आहे। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।